थाना हापुर देहात के अंतर्गत मोहल्ला शिवचरणपुरा में एक मकान की छत गिरने से गृहिणी और पुत्रवधू सहित 7 लोग घायल हो गए, जिनमें गृह स्वामी की बड़ी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिवार ने एक धर्मशाला में शरण ली है। हापुर की मीनाक्षी रोड पर स्थित शिवचरणपुरा में हरिद्वारी सैनी 30 गज के जीर्ण शीर्ण मकान में पिछले 40 वर्षों से परिवार के साथ रह रहे हैं। बारिश की वजह से मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। गुरुवार की रात को परिवार के लोग खाना खाकर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे कि मकान की छत भरभरा कर आ गिरी और परिवारजन मलबे में दब गए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने घायलों को मलबे से निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा। मेरा नाम हरिद्वारी है और ये लेंटर झज्जर हो रहा है। ये पुराना लेंटर हो गया था, ये लेंटर गिर गया है और 5 बच्चों के मैं घरवाली सबके चोट लगी है। रेखा नाम है, तनु नाम है, लता नाम है, हेमवती नाम है, सविता नाम है। अब 3 तो हैं, 2 देवनंदी में हैं। मैंने रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद खड़ी हुई, हमारे मम्मी पापा ऊपर थे, ऊपर से ईंट गिरी। जब ऊपर से गिरी थी, हमारा हस्बैंड बाहर कमरे में, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, ऊपर से सगला ढह गया। सबके लोगों को चोट लगी, हम 6-7 दिन में। इस हादसे में गृह स्वामी की बेटी हेमवती, तनु, लता और पत्नी रेखा, पुत्रवधु कविता और 2 बालक घायल हो गए। घायलों में हेमवती की हालत गंभीर है। परिवार के लोगों ने इस हादसे के बाद एक धर्मशाला में शरण ली है। Thank you.